The length and breadth of a rectangular floor are 16.25 meters and 12.75 meters respectively. Find how many minimum number of square tile would be required to cover it completely. अब इसमें हमें फ्लोर की डायमेंशन दी गई है 16.25 by 12.75 और हमने मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स बतानी है, तो इसका मतलब है हम बड़े से बड़ा साइज़, मैक्सिमम साइज़ जो इसमें फिट हो सकता है वो लेंगे, क्योंकि जब हम बड़े साइज़ की टाइल्स लेंगे तो उनकी तादाद कम लगेगी और हमने मिनिमम ही बताना है, तो हम मैक्सिमम नंबर जो यहाँ पर अप्लाई हो सकता है वो लेंगे। तो इसको हम सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, 16 इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस सेंटीमीटर्स में आ जाएगा, और इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी सेंटीमीटर्स में आ जाएगा। ये हमारे पास डायमेंशंस आ गई। अब हम देखते हैं कि इसका HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो कौन सा कॉमन नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर देता है, तो वो 25 है, क्योंकि इन दोनों के लास्ट में 25 का मल्टीपल आ रहा है, तो इसलिए इन दोनों का HCF है 25 सेंटीमीटर की टाइल स्क्वायर फॉर्म में होगी। इसका मतलब है कि उसका एरिया होगा 25 × 25, तो ये इसका आंसर आता है 3315, यानी कि 3315 टाइल्स की ज़रूरत होगी मिनिमम, क्योंकि हमने मैक्सिमम साइज़ की टाइल्स ली हैं जो कि इसमें आ सकती हैं, तो उनकी तादाद है 3315, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी।